नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्य दुबे स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल दी ऑर्डरिंग पे। आज मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ कि केरल हाई कोर्ट के हिजाब विवाद को लेके जो फैसला आया है उस पे किन किन नेताओं ने क्या क्या प्रतिक्रिया दी। जी हाँ, सत्ता में बैठी जो सरकार है उसने इस फैसले का स्वागत किया, पर वही विपक्ष को ये फैसला कहीं रास नहीं आया। कर्नाटका में पिछले कुछ दिनों से विवाद का केंद्र बना था ये हिजाब, पर जब सुप्रीम कोर्ट इस बात को स्पष्ट कर देती है किसी शैक्षण संस्था में हिजाब पर आप ऐसे प्रतिबंध लगा देने को चुनौती नहीं दे सकते हैं, तो ये बात बहुत ही साफ हो जाती है कि इस बात के लिए अब विवाद करने जैसा कुछ बचा नहीं। पर राजनीतिक नेताओं ने अभी भी ये ठान लिया है कि इस मुद्दे पे विवाद को वो आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि किन किन लोगों ने, किन किन नेताओं ने क्या क्या कहा। हाईकोर्ट के फैसले पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने क्या कहा, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि इस्लाम स्वयं परिभाषित करता है कि विश्वास के अभ्यास के लिए आवश्यक है, इसीलिए न्यायपालिका का काम आसान हो गया है। कुरान में 7 बार हिजाब का जिक्र किया गया है, लेकिन ड्रेस कोड के संदर्भ में नहीं। कर्नाटका हाई कोर्ट के फैसले पर ओवैसी ने उठाया सवाल। जी हाँ, जैसा कि हम सभी को पता था कि ये तो होने ही वाला है, AIMI प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कर्नाटका हाई कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हम कर्नाटका हाई कोर्ट के फैसलों से सहमत नहीं है, यह संविधान के अनुच्छेद 15 की अवहेलना है। हाई कोर्ट ने कहा है कि हिजाब आवश्यक धार्मिक अभ्यास नहीं है, लेकिन इसका निर्णय कौन करेगा? इस फैसले के खिलाफ हम इसलिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इस फैसले से नकारात्मक असर होगा और जगह जगह मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाया जाएगा। संविधान में विवेक की स्वतंत्रता के तहत हमें इजाजत है कि अपने हिजाब क्या पहनूं और क्या ना शिक्षा भी हासिल करूं, इसे हमें इसका हक मिले। तो ये था ओवैसी का बयान। ये बयान काफी महत्वपूर्ण हो जाता है ये बताने के लिए कि उनका इस फैसले को लेके क्या रुख है। अब जब हम इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, महबूबा मुफ्ती की बात करना भी बहुत आवश्यक बन जाती है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर उन्होंने क्या दिया बयान। हाईकोर्ट का फैसला बेहद निराशाजनक है, यह बात कही महबूबा मुफ्ती ने। जी हाँ, कर्नाटका हाईकोर्ट के फैसले पर PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने सवाल उठाया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि हिजाब प्रतिबंध को बरकरार रखने का कर्नाटका हाईकोर्ट का फैसला बेहद निराशाजनक है। एक तरफ हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, फिर भी हम उन्हें एक साधारण विकल्प के अधिकार से वंचित कर रहे हैं। यह सिर्फ धर्म के बारे में नहीं है, बल्कि चुनने की स्वतंत्रता के बारे में भी है। हाईकोर्ट के फैसले से निराश हूँ, यह बयान दिया उमर अब्दुल्ला ने। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने फैसले पर निराशा जताई। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि कर्नाटका हाई कोर्ट के फैसले से बेहद निराश हूँ। चाहे आप हिजाब के बारे में क्या सोच सकते हैं, क्या कपड़ों की एक वस्तु के बारे में नहीं है, यह एक महिला के अधिकार के बारे में है कि कैसे कपड़े पहनना चाहती है, या कि अदालत ने इस मूल अधिकार को बरकरार नहीं रखा, यह एक उपहास है। तो यह बात कही उमर अब्दुल्ला ने। उनकी रही यह राय कर्नाटका हाई कोर्ट के फैसले पे। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री बसवराज के बयान की, आखिर उन्होंने क्या कहा। कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए, यह कहा CM बसवराज ने। कर्नाटका के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने हिजाब के मुद्दे पे कहा कि हमें कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए। साथ ही में बसवराज ने यह भी कहा कि बच्चों के लाभ के लिए सभी को कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए, यह हमारे बच्चों का भाग्य है और शिक्षा का सवाल है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। जब बसवराज ऐसा बात कहते हैं तो ये बात समझ में आ जाती है, ये चीज सामने उभर के आ जाती है कि वह इस फैसले को सपोर्ट कर रहे हैं, उनका साथ है इस फैसले को लेकर। तो चलिए अब जानते हैं कि मुख्तार अब्बास ने क्या कहा। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास ने भी इस फैसले पर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिजाब को लेकर जो हंगामा था वह इसलिए था कि कैसे मुस्लिम लड़कियों को औपचारिक शिक्षा से दूर रखें और तालिबानी सोच के साथ झोंक दें, जिससे उन्हें औपचारिक शिक्षा न मिले। कोर्ट ने जो निर्णय लिया है वह भारत के संविधान और समाज के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने दिया ऐसा बयान। तो जो शिक्षा चले जाने की बात हो रही थी कि उन मुस्लिम महिलाओं को शिक्षा से दूर रखा जाएगा, वो चीज और इस बात का डर तो अब भी है कहीं ना कहीं इसी मसले को लेके कि उन्हें हिजाब की इजाजत नहीं है। इस मसले को लेके भी उन्हें स्कूल जाने से, विद्यालय जाने से रोका जा सकता है। तो
इन मुद्दों को धर्म और राजनीति से परे एक ग्राउंड लेवल पे आके एक महिला के अधिकार और बहुत सारी चीजों को मद्देनजर देखते हुए ही आगे बढ़ना एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा, एक समझदारी भरा कदम होगा। बने रहे बाकी के न्यूज के लिए हमारे चैनल दी ऑर्डरिंग के साथ। धन्यवाद।